सो वी हैव कंडक्टेड सीक्रेट ऑफ सक्सेस प्रोग्राम एट दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और हमारे साथ वसीम है आज जो अपने व्यूज शेयर करने वाले हैं यहाँ पर. सो वसीम कैसा लगा आपको प्रोग्राम? या इट वॉज रियली अमेजिंग लाइक द वे स्पीकर इन्वॉल्व ऑल द ऑडियंस ना लाइक बिफोर दिस सेमिनार सम वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी लाइक दिस सेमिनार विल ऑल अबाउट the spiritual knowledge okay. but like a lot of things the speaker raised it came to my surprise like okay. I learned a lot from this seminar and anything which touched your heart like when the speaker presented the poem by okay. that 12-year-old girl okay. and like that really touched and second thing is like when he talked about like happiness doesn't lie in the materialistic really things. Nice. Yeah. Aaj hamare sath Pawan hai जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया और वो शेयर करने वाले अपने व्यूज़. तो फोन कैसा लगा आपको प्रोग्राम? हमें ऐसा कुछ पता चला जिसके पीछे हम ऐसे भागते हैं और हम मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्राम सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि जस्ट रन फॉर हैप्पीनेस एंड डोंट रन फॉर सक्सेस एवरी टाइम. द वे ऑफ स्पीकर वॉज गुड, काफ़ी फ्रेंडली थे. उन्होंने रियल टाइम रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस से हमें एग्जांपल्स लाके दिए जो काफ़ी अंडरस्टेबल थे. एंड आपको कैसा लगा कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपके हार्ट को टच कर गया, अरे वाह ये तो बहुत रियलिटी है लाइफ का? जो भी उन्होंने एग्जांपल्स दिए, एक तो पहली बात कि काफ़ी फ्रेंडली थे, ईजीली अप्रोच कर रहे थे सेमिनार के हर एक स्टूडेंट को. तो उनके एग्जांपल्स बिल्कुल सारे के सारे जो भी उन्होंने मतलब उनकी एक्टिंग जस्ट लाइक ही वाज जस्ट लाइक अ एक्टर. तो उनके सारे एग्जांपल्स जो थे सबको एकदम वो कनेक्ट कर पा रहे थे हर किसी एक बैठने वाले को. तो इतने रियलिस्टिक थे कि सबको एकदम रियल लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे कि यार हाँ ये होता है रियली, ये हम बिल्कुल हम एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि यार हाँ ये भी ऐसा भी होता है. तो ऑल एग्जांपल्स वाज गुड. ओके, और आप ऐसे सेमिनार चाहते हो अपने कॉलेजेस में रेगुलर? यस हाँ, पहली बार विवेकानंद के काफ़ी सोसाइटी के हुए हैं तो मैंने अटेंड करे हैं, ये भी अटेंड किया था, रिसेंट किया था तो अच्छा था. इट वॉज अ जनरल लेक्चर ऑन लिविंग बींग एंड गुड लिविंग थिंग एंड एक अच्छे जीवन जीने के लिए एक अच्छा मोटिवेशन और एक गाइडेंस का जैसा एक लेक्चर था जो होना चाहिए. जब भी होगा हम चाहेंगे, पूरे कॉलेज के बच्चे भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा कि हम अटेंड करें. आपका नाम? नमन कुमार श्रीवास्तव. सो नमन कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? काफ़ी प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक एंड रियली वेरी गुड. ओके, और एनीथिंग जो आपके हार्ट को टच कर गया? जो सर ने मैथमेटिक्स के थ्रू लाइफ को एक इंटरप्रेट करा कि हम एक डंकी लाइफ जी रहे हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ये पार्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. ओके, और कोई चीज़ जो अपनी लाइफ में आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के बाद? हाँ, मैं जो क्वेश्चन पार्ट है, वाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये एक सेशन लेने के बाद क्वेश्चन मेरे अंदर अराइज हुआ है और मे बी हैप्पीनेस की तरफ, मैं हैप्पीनेस क्या है इस विषय पर सोचने पर मजबूर हूँ. ऐसे लेक्चर आपके कॉलेजेस में रेगुलर होने चाहिए? हाँ, ज़रूरत है. ओके, तो बादल कैसा लगा आपको प्रोग्राम आज का? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम जो था सबसे ज़्यादा डिफरेंट था आज तक, मतलब मोस्टली जितने भी लेक्चर्स होते हैं वॉट एवर जो भी कुछ होता है कॉलेज में, स्टूडेंट्स सोचते हैं अंदर जाके पकाऊ है या पहले ही सोच लेते हैं कि पकाऊ होगा और अंदर जाके तो डेफिनेटली वो पकाऊ होता ही है. क्योंकि जनरली क्या आता है, कोई टीचर आता है बढ़िया से बड़ा सा प्रोफेसर आएगा बहुत सारी डिग्रीज वाला, एक प्रेजेंटेशन चलाएगा और तुमको अच्छे से पकाएगा 30 से 45 मिनट. पर यहाँ पर जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस नाम से ही ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी अंदर से हाँ कि अंदर जाके बैठना है इस बार तो कुछ ना कुछ अलग होगा. और जब पहुँचे सर ने वो पहली स्लाइड चलाई उसको ही देख के जो सबके रिएक्शंस थे वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट थे. और जो सच में जो स्टार्टिंग थी वो तो एकदम गदर थी, एकदम डिफरेंट. ऐसा पॉइंट जो आपके हार्ट को टच कर गया हो, मतलब आप दूसरों के साथ शेयर करो, अरे यार ये बहुत अच्छा पॉइंट था. जो एलजेब्रा फॉर्म में उन्होंने समझाया डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड द एनिमल लाइफ, एंड आफ्टर ऑल द ह्यूमन लाइफ इज सेम एज द एनिमल लाइफ, बस थोड़ा सा बढ़ चढ़ के. जानवर घास खा लेगा, हम घास को थोड़ा अच्छे से पका के सजा धजा के खा लेंगे. अरे, और उससे अलग एक और चीज़ है उन्होंने समझाया कि सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इंसान कैसे बॉटम से लेकर टॉप तक पहुँच जाता है लेकिन उसके बाद भी बॉटम पर था तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, और ऊपर गया तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, पहुँचते पहुँचते एक नॉर्मल एम्प्लॉय से सीईओ बन गया लेकिन सेटिस्फेक्शन उसके अंदर नहीं आया. हम सब लोग बस गधे की तरह भागे जा रहे हैं पर सेटिस्फेक्शन अगर होता तो ऐसे भागते ही नहीं. हेलो, माय सेल्फ आदित्य,
myself Ravi. Okay. So Ravi, did you attend the session today? Okay. So would you like to share with us some key point which you liked the most? That's and very important tha ki happiness ke bare mein bataya gaya tha ki aap matlab happy rahe happy rahoge to baaki aapke liye success ke liye acha hai kyunki success even happy ke agar aapko happiness kaise milti hai to aap success hi hoge. Aur ek aur point acha tha that ke aap log apne aap ko na khul ke express karoge aap to aapke liye better rahega. Then do part mein baatein thi. एक तो आपका उसी वे को पॉजिटिव भी बोले थे, हमसे पूछा जा रहा था कि ये ठीक है बट वो दोनों को ठीक और गलत बता दे रहे थे. यही था कि हम लोगों ने सुना है, नॉलेज काफ़ी गेन हुई है, बहुत अच्छा था. तो मतलब मैं अगर आगे भी होता तो मैं चाहता हूँ कि मैं करूँगा. एंड मेरे को अच्छा लगा, सर थे काफ़ी नॉलेजेबल थे एंड देख नहीं रहा था उनको देख के क्या ऐसा हो सकता है बट एंड अच्छा लगा. Okay, so would you like to share something about the speaker? How did you find the speaker? How was he? He was the best. Okay. And if in future such sessions are held, so will you be interested in attending them? Yeah. Was there any particular point you should like the most? Spiritual life. Most important thing is that I want that life is what? What is life? Okay. What session is the main life? Hmm. What challenge for life? So you learned like what's the main motive of life, how we should live life. I love the way Swamiji was talking today. I mean his way of speaking, the way he was conducting the seminar, it was really good. Okay, so would you like to share some key point which you like the most? I like the perspective he had towards life and okay. How we can be happy and how we can leave all our tensions and all behind us and find a way to be happy. Okay.